सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी को रचिता सखी का विनम्र कोटि कोटि प्रणाम, और विशेष करके हम आपके बीच में उपस्थित दर्शन दे रहे ऐसे बाबू जी सोहनलाल जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आपके दर्शनों की अभिलाषी थी और आपने दर्शन दिए, बेहद खुशी की बात है। इसी के साथ आप समस्त दृष्टिगण अध्यक्ष जन सुंदर साथ जी पुजारी जी आप सभी को विनम्र प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आइए श्री षट ऋतु ग्रंथ के अंतर्गत षट ऋतुओं कलश राग प्रभाती, इसके द्वारा वाणी गायन दीर्घ गायन और मायने करते हुए हम सभी लाभ ले रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के ध्वनि की जय। वचन जीना वाले रारे लागे मुने, आपको झेलना है। वचन वाला जीना वाले रारे लागे मुने, वाला जीना वाले रारे लागे मिठड़ारे लागे मुने, मिठड़ारे लागे मुने, संभलावो चचा मिठड़ी वाले, संभलावो चचा मिठड़ी वाले वाला, वचन जे तार तमा तड़ारे मारा वाला, वचन तार तमे तड़ हवे नहीं मुको नीर वाला रे वाला, हवे मुको नीर वाले वाले वाला, सुनिया जे सुंदर तना रे मारा वाला, सुनिया जे सुंदर तना रे मारे वाला, नाम किए हवचन रे वाला, नाम किए हवचन रे वाला, आतला दिवस में विचार न की धो वाला, आतला दिवस में विचार की धो वाला, नवरी वचन रे वाला, नवलिधु वचन रे वाला, घना दिवस मेला जानियो रे मारा वाला, घना दिवस मेला जानियो मारा वाला, वचन वचन तनी जे नेत्र वाला, जीवनाने नेत्र उघाड़ी करीने वाला, जीवनाने नेत्र उघाड़ी करीने वाला, तमी दया करी मुने दीधरे वाला, तमी दया करी मुने चर्चा जे श्री मुख तनी रे मारा वाला, चर्चा जे श्री मुख तनी रे वाला, सुंदर बाण वचन रे वाला, सुंदर बाण वचन रे वाला, ए
विचार मोसो करो रे वाला मुकुल मेली में माना रे वाला मुकुलो मेली ने मन रे वाला तेरे तेरे ने पिछली करी रे मारा वाला तेरे तेरे पृछवनी करी रे वाला विध विधना का हो दृष्टांत रे वाला विध विधना का हो दृष्टांत रे वाला ब्रज रासने घर तारी रे वाला ब्रज रासने घर तारी रे वाला मुने कहो तक वरतांत रे वाला मुने कहो भी तक वरतांत रे वाला मुने कहो भी तक वरतांत रे वाला मुने कहो भी तक वरतांत रे वाला भजन गाना जीना वाले रारे लागे मुने वचन वाला जीना वाले रारे लागे मुने मिठड़ारे लागे मुने मिठड़ारे लागे मुने संभला वो चर्चा मिठड़े बाण रे वाला संभला वो चर्चा मिठड़े बाण रे वाला संभला वो चर्चा मिठड़े बाण रे संभला हो चर्चा मिठड़ी वाण रे बोली सिमराना प्यारे रे की जय आपके घने की जय प्यारे सुंदर साहब जी श्री शतऋतु वाणी के अंतर्गत हम आपने प्रभाती राग में जो वाणी की चौपाइयों का श्रवण किया है इसे कहते हैं शतऋतु कमश। हम सभी जानते हैं कि ऋतुएं छह होती हैं। श्री द्रावती सखी श्री सदगुरु स्वरूप के वियोग में अलग अलग छह ऋतुओं के अंदर में विरह को गान करती हैं और तत्पश्चात इन छह ऋतुओं के ऊपर उन्होंने कलश रूपी वाणी गान की है और इसी को हम आपने अभी अभी श्रवण किया है। सुंदर साहब जी छह ऋतुएं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग त्योहारों के साथ में ठंडी अथवा गर्मी अथवा वर्षा ऋतु के साथ में जो जो आती है जाती है परंतु उसके अंदर में प्यारे सुंदर साहब जी थोड़े समय तक हम आप बिल्कुल शांति रख करके सुनने का प्रयास करेंगे। श्री इंद्रावती सखी छह ऋतुओं के अंदर में विरह वेदना का अनुभव करती हैं और जो कलश रूपी यह प्रकरण कहा गया है उसके अंदर में आ करके अब अपने दिल की वह विरह वेदना की भावना को प्रकट करती हैं कि जिसके द्वारा सभी जो सुंदर साथ हैं वे भी इन भावनाओं को आत्मसात करेंगे। आज चौथ की तिथि और हम सभी जानते हैं चौथ लगने में जब दो घड़ी अवशेष थी बाकी थी उस समय प्राण पिया ने अपनी इह लीला का समापन कर दिया। सुरता श्री निज धाम की ओर लग गई और धाम धनी ने बख्शीश किया हुआ
जो जोश था वो परम धाम की ओर फिर जाता है। और जाहिर में श्री छत्रशाल जी महाराज के ऊपर में जागने की जिम्मेदारी श्री प्राणनाथ जी दे देते हैं। बातूनी रूप से मोमिनों के दिल के अंदर में विराजमान होकर के जागने का कार्य वे प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ जो हमारे धाम धनी जी इस जाहिरी पंच तत्वों के देह को परित्याग करते हैं, तो इसके अंदर में कैसे विरह को गाया गया है सुंदर साथ जी, यह हमने देखा। 11 वर्ष और 52 दिनों तक बंगला जी दरबार के अंदर हमारे प्राण पिया श्री प्राणनाथ जी ने मार्फती जो ज्ञान परम धाम का कहा गया है उससे उतार दिया। स्वामी श्री लादास जी महाराज कहते हैं कि श्री राज जी के द्वारा अरस परम धाम की सारी दैवते यहाँ उतर गई। इसी संदर्भ में कहा गया कि जो छठे दिन की लीला है उसमें अरस परम धाम संसार के बीच में जाहिर हुआ। ऐसे सुंदर साथ जो रात दिन श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से अलग अलग विषय के ऊपर में जो वाणी की चर्चा को श्रवण किया करते थे, जब प्राण प्रीतम हमारी नजरों से ओझल हो गए तो कैसे विरह वेदना की अनुभूति उनके दिल में होती है। इसी संदर्भ में यहाँ जो विरहीन आत्मा है जिसने संजोग का अनुभव किया है वो वियोग का अनुभव करती हुई यहाँ प्रियतम ध्वनि से विरह गान करती हुई कहती है कि मेरे वाला जी के जो वचन है वो कैसे है। वालेरा सुंदर साथ जी, ये गुजराती वाणी के अंदर में गाया गया है। वालेरा कहते हैं अत्यंत जो प्रेम से हम श्रवण करते हैं, जो बहुत हमको प्रिय लगते हैं। पुनः कहती है इंद्रावती सखी मिठर डारे लागे, आशिक और माशुक की बातें हैं और वो बातें हमेशा कैसी लगती हैं, मीठी लगती हैं। चाहे छोटी से छोटी बात कोई पूछा क्यों न गया हो, एक संबोधन मात्र क्यों न किया गया हो, परंतु वह भी अत्यंत मधुर अत्यंत मीठा ही लगता है। जबकि यहाँ तो हमारे प्राण प्रियतम ने हमारे आगे श्री परम धाम के वचनों को, तारतम के इन वचनों को ला करके परोस दिया है। ऐसे वचन धाम की ब्रह्म आत्माओं को, धाम के सुंदर साथ को भला कैसे प्रिय न लगे, कैसे मीठे न लगे। उन आत्माओं के अंदर विरह होता है जिन आत्माओं ने वचनों को धनी के मुखारविंद से श्रवण किया। सुंदर साथ जी, यहाँ समझने की एक और बात आती है कि जब हम परमधाम से संसार में आए तो आने का जो मार्ग है वो आंखों के माध्यम से आए। क्यों? खेल को देखना था, तो वो खेल देखने की चाहना को लेकर के हम आए। मगर जब हम खेल से पुनः श्री परमधाम को प्रस्थान करते हैं, हमारी सुरता को धाम में लगाते हैं, तो अब हमारा जो माध्यम है वो आंखें नहीं है। अब हमारा माध्यम क्या है? अब हमारा माध्यम क्या होगा? अब हमारा माध्यम कान है। क्योंकि वचनों को आप कैसे श्रवण करोगे? सबसे पहले जाहिरी कानों से, दिल रूपी कानों से और आत्म के कानों से। जाहिरी कानों से जो सुन लिया उसमें मन का हाथ होता है, मन विचलित कर देता है, तो वो सुने हुए वचन भी अंदर उतर नहीं पाते हैं। लेकिन यदि दिल के कानों से जब हम श्रवण करते हैं तो वही वचन हमारे आत्म तक पहुंच जाते हैं, आत्म को जगाते हैं। साथ जी, इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर से अब जो धाम को हम प्रस्थान करेंगे तो हमें कानों के माध्यम से जाना है, आए थे आंखों के माध्यम से। इसीलिए इंद्रावती सखी कहती है कि जब मेरे अंदर विरह वेदना प्रकट हुई तो यह विरह शुरू कहाँ से हुआ? यह विरह शुरू हुआ कानों से। कानों से क्यों? क्योंकि अब तक जो मीठे मधुर वाणी वचन
श्री प्रणनाथ जी के मुखारविंद से सुंदर साथ सुन रहे थे, अब वो वचन सुनने में नहीं आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला विरह कानों को हुआ है और अब इन कानों के माध्यम से अंग प्रत्यंग के अंदर धाम धनी जी का यह विरह अब फैलने लग जाएगा। श्री इंद्रावती सखी आगे कहती है, संभलावो चर्चा मिठड़ी वाण, हे मेरे प्राणाधार, हे मेरे प्रियतम धनी, अब मुझे जो श्रवण करना है वो तारतम वाणी की चर्चा है। आज तक जीवन के अंदर न जाने हमने कईयों चर्चा को सुनी होगी, कई बार हमने गॉसिप्स की होंगी, मगर अब जो मुझे श्रवण करना है वो मेरे धाम धनी के वचन है, वो मेरे परम धाम के वचन है। और ऐसे परम धाम के वचनों को तारतम वाणी ही सुना सकती है, और ऐसे तारतम वाणी को परोसने वाले साकी बन करके मेरे दुल्हा आए, मेरे सतगुरु आए, मेरे प्राणनाथ जी आए। इसीलिए श्री इंद्रावती सखी यहाँ अर्जी करती है पियासे कि हे मेरे प्राणाधार, तारतम के अनमोल वचन आप मुझको सुनाइए, मैं आपसे श्रवण करूं। वचन जे तारतम तनारे न मुकिए एह वचन, जो तारतम वाणी के वचन है सुंदर साजी, यदि हम इन वचनों का मूल्यांकन करना चाहें तो कदापि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया, शास्त्र पुराणों के अंदर भी तो वाणी वचन है, परंतु ये सारे वाणी वचन एक इमारत के रूप में है। इस इमारत के ऊपर में जो कलश रूपी वाणी को रखा गया वह हमारी तारतम वाणी है, और इस कलश रूपी वाणी के ऊपर जिस ध्वजा का आरोहण किया गया है वह तो प्रेममय ग्रंथ श्री परिक्रमा वाणी को कहा गया है, दुल्हन किताब को कहा गया है। ऐसे तारतम वाणी के वचन प्यारे सुंदर साथ जी हम कैसे भुला सकते हैं। न मुकिए एह वचन, श्री इंद्रावती आत्मा या हम आप सभी से आह्वान करती हैं, हम आप सभी से कह रही हैं कि ऐसे धाम धनी जी के वचनों को हमें कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी, इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं आपसे कहूं, आप सभी ने कोविड के लिए वैक्सीनेशन लिया, किसी का एक डोज हो रहा है, किसी के दोनों हो चुके हैं। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कोविड का वैक्सीनेशन ले रहे हैं, क्या हमने हमारी आत्म को ये धन परोसने के लिए कोई वैक्सीनेशन लिया है? हमारी आत्म को जो रक्षा कवच चाहिए वो धाम धनी की कृपा का रक्षा कवच है। ये कृपा भी ऐसे नहीं होती है, कृपा तो धनी खूब बरसा रहे, खूब कर रहे, हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन निरंतर रूप से ये कृपा बरसती रहे, इसीलिए हमें चाहिए कि हम वाणी से और धनी जी के वितक से जुड़े रहें। जिस प्रकार शरीर का प्रोटेक्शन देखते हुए हम वैक्सीनेशन लेते हैं, इसी प्रकार से हम अपने आत्म की रक्षा करने के लिए पिया की मेहर को चाहते हैं, और पिया की मेहर इस वाणी के द्वारा, धनी जी के वितक के द्वारा बरसती है सुंदर साथ जी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जब आप 12 महीनों को व्यतीत करते हैं, उनमें से जो एक महीना ऐसा होता है कि उस एक महीने के अंदर हम वो 11 महीनों के लिए तैयारी कर लेते हैं, 11 महीने आपके हुए, 11 महीनों के अंदर आप चाहे जितना व्यवहार में अपने आप को मिक्स कर लें, आप अपने आप को उसके अंदर में घुलमिल कर लीजिए, मगर ये एक महीना जो श्रावण महीना कहा जाता है सुंदर साथ जी, वो एक ऐसा महीना है जहां पर आत्मा को हमें चार्ज करना है, ऐसी ऊर्जा से चार्ज करना है कि बाकी के 11 महीने हमें इसकी शक्ति मिलती रहे, और हमारा कार्य क्षेत्र जो है
वह भी सुंदरता से, सुलभता से, स्मूथली चलता रहे। हम कार आदि में ऑयलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें स्मूथनेस आनी चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए। वैसे ही संसार का व्यवहार भी ठीक प्रकार से चलता रहे, इसीलिए हम यहाँ पर वीतक और वाणी के द्वारा इस ऊर्जा शक्ति को ऐसे संग्रह करते हैं इस एक महीने के दौरान के पूरे 11 महीने जो हमारे हैं वो अच्छी प्रकार से, सुलभता से हम व्यतीत कर सकें। इसीलिए साथ जी एक और सुंदर बात यहाँ कही जाती है, हम संसार के जो जितने नाते हैं, रिश्ते, उनका तो बखूबी पालन करते हैं। ये सारे रिश्तों की संतुलना जीरो के साथ की गई है। किसके साथ? जीरो के साथ। और हमारी आत्म का जो एक रिश्ता बना हुआ है वो किनके साथ बना है? वो अनेकों के साथ में बनता नहीं है। हमारी आत्म का जो रिश्ता है वो एकमात्र धाम धनी जी से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए धाम धनी जी के साथ जो आत्म का रिश्ता है उसकी तुलना एक अंक के साथ की गई है। अब समझिएगा, ऑल योर वर्ल्डली रिलेशंस आर इक्विवेलेंट टू जीरो। और जो आत्म का संबंध है, द स्पिरिचुअल रिलेशन इज इक्विवेलेंट टू वन। सुंदर साह जी, सैलरी में शून्य बाद में लगे तो अच्छा लगता है कि पहले? वन के बाद में जितने भी अंक जीरो के लगते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर वो जीरो पहले लगा दिया जाए इट विल बी नल एंड वॉइड, उसका कोई महत्व ही नहीं। इसी प्रकार से सुंदर साह जी बहुत गंभीर बात यहाँ पे खुल के आती है। वह जो एक अंक कहा गया वो धाम धनी से हमारा संबंध है। उस एक अंक के बाद में आप चाहे जितने जीरो लगा दीजिए, वो सारे वर्ल्डली रिलेशंस हैं। उससे आपको अच्छा लगेगा, कंपनी मिलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। सुंदर साह जी, उस एक अंक की विशेषता यह है कि वो धाम धनी जी से जोड़ा गया हमारा संबंध है। उस एक के बाद में आप चाहे जितने वर्ल्डली रिलेशंस या चाहे जितने जीरो अंक को लगा दीजिएगा तो वो आपको प्लेजेंट लगेंगे, अच्छे लगेंगे। मगर वही शून्य को अगर एक के आगे आपने लगा दिया, एक को छोड़ दिया, तो सारे जीरो का कोई मतलब है क्या? तो इस संसार सागर के अंदर जब तक हमने धाम धनी जी से वह ज्ञाता नहीं जोड़ा है, तब तक हमारे सारे जो रिलेशंस है, वर्ल्डली रिलेशंस संसार के अंदर के, वो सब शून्य की भांति है। लेकिन जब हमने धाम धनी जी से वह संबंध जोड़ लिया तो ये सारे और संबंधों को एक मतलब मिल जाता है। इसीलिए इंद्रावती सखी यहाँ पर कह रही है, आतला दिवस में विचार न की दो, वचन तणी जे इधरे। इतने दिनों तक इस जीवन को मैंने व्यतीत तो किया, परंतु इस जीवन के अंदर धनी जी के तारतम के जो वचन है उन वचनों की नींद को मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं समझ नहीं पाई कि इनके अंदर कैसा मूल्यांकन है। मैंने मेरे धनी के वचनों को शास्त्र पुराणों के वचन के समान समझ लिया। मेरे धनी के वचन शास्त्रों के वाणी के जैसे नहीं है। इसीलिए कहा गया, शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साथ, नहीं कथा के दत्तनी सत वाणी है बात। कि मेरे धनी की जो वाणी है वो दंत कथा नहीं है, वो किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, ऐसी कथा नहीं है। सत वाणी ए वाकर, ये सत परब्रह्म की सत वाणी है। इसलिए हे सुंदर साह जी, ऐसे तारतम के वचनों को शास्त्रों का सार कहा गया है। जिस प्रकार से दूध से आप मक्खन को निकालिए और फिर उसका प्रोसेसिंग करते हुए छाछ को अलग किया, वो सब करने के बाद में
जब बटर हाथ में आता है और उसको भी जब आपने प्रोसेसिंग किया, गर्मी देकर के तपाया उसे, तब सार रूप क्या मिल जाता है? घी मिल जाता है। और उस सार को जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं तो दूध को कितने समय तक बचा के रख सकोगे? घी को कितने समय तक बचा के रख सकते हो? इसलिए सार रूपी वाणी है तारकम वाणी। जब हमने घी रूपी वाणी को ग्रहण कर लिया है तो इससे ऊपर हमें और क्या मिलेगा बेटा? धनी के वचनों से परे और क्या मिलेगा? इसलिए सांत जी कहा जाता है, वेयर द शास्त्रस एंड तारकम बिगिंस। जहां शास्त्र अपने सीमा तक पहुंच जाते हैं, संसार का ज्ञान परोसते हैं, उसके पश्चात ही तारतम वाणी का शुभारंभ होता है। श्री इंद्रावती सखी कह रही है, जीवना नेत्र उघाड़ी करी ने। मेरे जीव के जो नेत्र है, जीव की जो दृष्टि है, उसे अब उघाड़ना है, उसे अब मुझे खोलना है। क्या मेरे जाहिरी नेत्र खुले नहीं है? खुले ही है, मगर जाहिरी नेत्रों के द्वारा मैं देख रही हूँ संसार को, मैं देख रही हूँ कि इस दुनिया में क्या हलचल मच रही है। परंतु यदि मैंने मेरे जीव के नेत्र को नहीं खोला तो मैं मेरे परब्रह्म को, मेरे आत्म के आधार को देख नहीं पाऊंगी, तारतम वाणी के महत्व को समझ नहीं पाऊंगी। तारतम वाणी को किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ की भांति समझने लगूंगी। इसीलिए तमें दया करी मुने दिखो, हे मेरे प्राणाधार, आपने दया करते हुए मुझे ये वचन रूपी धन दे दिया। हम अक्सर चाहते हैं ना कि हमारे पास हमारे जो भी पूर्वज हैं वो खजाना छोड़ के जाए, कितना अच्छा लगता है। मगर आध्यात्मिक मार्ग के अंदर में देखिए सुंदर सा जी, तो ये खजाना है। और ये खजाना हमारे लिए श्री सदगुरु श्री प्राणनाथ जी छोड़ करके गए हैं। जब प्राण पिया अपने इह लीला का समापन करने वाले थे, उस समय में भी कहें तो उन्होंने इन वाणी वचनों को आगे पहुंचाने का प्रबंध पहले कर लिया। क्यों किया? पाचला माटे वाणी कही, बाद में आने वाली जो सुंदर साथ है उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि हमारे धाम धनी जी ने परम धाम का कौन सा खजाना हमारे लिए ला करके छोड़ा है। इसीलिए धनी श्री प्रार्थना जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज के ऊपर में हुक्म करते हैं, वीतक ग्रंथ वीतक साहिब की रचना करने के लिए। वही केशवदास जी महाराज जी के ऊपर में आदेश करते हैं कि आपको वाणी के जिल्द बांध करके वाणी को संकलन करना है, क्योंकि ये वाणी कई वर्षों से अवतरित होती आई थी। विक्रम संवत 1715 की साल भवसा से लेकर के श्री प्राणनाथ जी जब पन्ना आ पहुंचे और पन्ना में जब लीला कर रहे थे तो 1748 की साल तक वाणी का अवतरण जगह जगह पर होता गया। ये सारी वाणी अलग अलग कागजों के अंदर संकलित की गई थी, परंतु उनकी जिल्द डालने की जिम्मेदारी केशवदास जी को दी गई। और सुंदर सा जी यही दो आत्माएं थी जिन्होंने विचार किया था कि प्रियतम धनी श्री परम धाम पहुंचेंगे, उससे पहले फूल माला लेकर के हम वहां पहुंच जाए और हम प्रियतम धनी जी का स्वागत करेंगे। उन्हीं दो आत्माओं को यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने हुक्म देकर के रोक दिया। क्यों रोक दिया? सुंदर साहब जी, जब तक हम अपने सिर पर नहीं लेते हैं ना तो ये बातें हमको असर ही नहीं करती। हम सोचते हैं कि सभी सुंदर साहब के लिए कहा है, कहा मेरे लिए कहा है। वही अगर कुछ धन मिलने वाला हो तो हम सभी के अंदर ये आकांक्षा हो जाती है, मुझे मिल जाए तो, लकी ड्रॉ करने वाले हो मेरा नंबर लग जाए तो। वहां हम मैं पर लेके आते हैं,
मगर जहाँ धाम धनी जी ने इतना खजाना हमारे लिए छोड़ा हुआ है, वहाँ पर ये महफल क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं कहते कि मेरे लिए मेरे धनी ने स्वामी श्री लालदास जी को रोक दिया कि इस आत्म के लिए आपको मृतक की रचना करनी है? क्यों नहीं कहते कि वाणी की जिद मेरे लिए बांधी गई, जब तक अपने सिर पर हम नहीं लेंगे तब तक सांत जी ये मृतक ये वाणी ग्रंथों में सिमटी रहेगी, दिल में नहीं उतरेगी। पर जब तक हम माशुक धनी के साथ में बातें नहीं करते हैं वाणी के द्वारा, तब तक आशिक माशुक के बीच की बातें नहीं हो पाती है। फर्ज बंदगी में लगे रहते दिल बंदगी नहीं हो पाती है। दिल से जो इबादत कर सकते हैं वो नहीं करते हैं, बस बाह्य रूप से मंदिर आना जाना, मत्था टेकना, प्रसाद लेना, चंदन आदि करना, यही हम धर्म समझते हैं। ये धर्म नहीं, दिस इज ओनली रिलीजन। ये सिर्फ हमारे कर्मकांड की विधियां है, मगर इसी कर्मकांड के आधार पर हमको और आगे बढ़ना है। एंड वी हैव टू एंटर इनटू व्हाट इज कॉल्ड इज स्पिरिचुअलिज्म। आत्म के धर्म में प्रवेश होना है सांत जी, और ये तभी ही हो पाएगा जब हम आशिक माशुक की कुछ बातों को वाणी के द्वारा समझते हैं। श्री नारदी सखी आगे फरमा रही हैं, चर्चा जी स्त्रीमुख तणी। साथ जी, हम यदि अपने चित्त को बंगला जी दरबार में पहुंचा लेते हैं और हम हमारे चित्त के द्वारा ये विचार करते हैं कि स्वामी श्री प्राणा जी तखत के ऊपर में आसीन होकर के अपने सुंदर मुखारविंद के द्वारा सुंदर वाणी को अद्वैत वाणी की वर्षा करते हुए हमको सुना रहे हैं, धनी श्री प्राणा जी का मुखमंडल जब हम निहारने का प्रयास करते हैं साथ जी, तो ये मुखमंडल हमारे सामने इस प्रकार से आ जाता है मानो हम साक्षात उसी दरबार में बैठे। अब वहां बैठे बैठे विचार कीजिए कि 11 वर्ष 52 दिनों तक धाम धनी जी ने हमको चर्चा श्रवण कराई, रसपान कराया, और उसके बाद जब धाम धनी जी तन को परित्याग करते हैं तो अब धनी के मुखारविंद से जो चर्चा को श्रवण कर रहे थे वो कैसे कर पाएंगे? अद्वैत वाणी की जो वर्षा हमारे ऊपर में हो रही थी, श्री परम धाम का ब्रह्म ज्ञान जो हमारे ऊपर में बरस रहा था, अब वो कैसे बरसेगा? कौन बरसाएगा आपकी रूह के ऊपर में? सुंदर बाण बचत रे। बाण किसे कहा गया है? बाण होता है ना, इस बाण को बाण कहा गया है। बाण तो शत्रु के ऊपर प्रहार करने के लिए हम उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो बाण कहा गया है ये बाण शत्रु के ऊपर नहीं, आशिक के ऊपर प्रहार करते हैं। माशुक उस आशिक आत्मा के दिल को विवल करने के लिए प्रयोग करते हैं श्री राजे महाराज। इसीलिए ये बाण ब्रह्म बाण है, ये बाण सुंदर बाण है कि जिस सुंदर वाणी को श्रवण करने से दिल घायल हो जाता है, धनी के भक्ति में हमारा दिल उत्प्रोत हो जाता है, शराबोर हो जाता है। ऐसी आनंददायी वाणी को जब जब आप श्रवण करेंगे तो इस वाणी के वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके दिल में उतर जाते हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस के द्वारा धनी जी से हम जुड़ जाते हैं, कनेक्शन हो जाता है साथ जी। एना विचार मोसु करो रे वाला मोकड़ू मेली ने मन रे। इसलिए एक विरहीन आत्मा धनी जी के श्री चरणों में अर्जी करती है, प्रार्थना करती है, ऐसे सुंदराती सुंदर ब्रह्म वाणी के वचनों को, हे पिया आप कहें और मैं इसको श्रवण करूं, थोड़ा सा भी संकोच न रखिएगा मेरे धाम धनी,
पूरी तरह वर्षा कीजिए इन वचनों की, ताकि ये वचनों की वर्षा हो और उसी वर्षा के अंदर मैं ओतप्रोत हो जाऊं, निमग्न हो जाऊं। पेरे पेरे नी प्रचवनी करी रे विद विदना कहो दृष्टांत। वाणी को जब गले के नीचे उतारना पड़ता है तो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भारी वचन है ये उतना ही हमको पात्र होना पड़ता है, भारी होना पड़ता है। इसीलिए सुलभता से समझाने के लिए द्रावती सखी पिया से कहती है कि हे धनी जी, आप सुंदर सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से संत वाणी के जो दोहे आदि संकलित हैं, शास्त्रों के प्रमाण जो आए हैं, ये सबको जोड़ करके मुझको समझाइए। ब्रज रास ने घर तई सुंदर साजी, ब्रज की लीला किसकी लीला है, रास की लीला किसकी लीला है, अरे परम धाम की लीला किसकी लीला है। ये ब्रज रास और जागनी परम धाम की घर की लीला, ये सब कुछ आप ही मुझको सुनाइए मेरे प्रियतम धनी। इन सभी लीलाओं के बिना मैं अधूरी हूँ। मुने कहो वी तक वरतांत, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। देखिए सुंदर साजी इस संजोग कैसा है कि चौपाई के अंदर में भी अंतिम वचन यही कहा गया, मुने कहो वी तक वर्तांत। आने वाले रोज से हम क्या सुनने वाले हैं, इसी वी तक को सुनने वाले हैं। और आज एक विरहीन आत्मा पिया के चरणों में यही अर्जी कर रही है कि हे धनी हे पिया, उस वी तक के वर्तांत को मुझे सुनाइए, जो वी तक तीनों स्वरूपों की वितक है, तीनों हादियों की वितक है, जिस वितक के द्वारा मेरी रूह को पता चलता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा निज घर कहाँ है। मेरे आत्म को जागृत करने वाली इस वाणी इस वितक को आप श्रवण कराइए। इस प्रकार से ये जो विरह दिल में उठ चुका है धनी के वियोग होने से, ये विरह तब ही निर्मूल होगा, तब ही अलग होगा, जब धाम धनी की वितक को, धाम धनी की वाणी को विरहीन आत्मा श्रवण करेगी। साथ जी हमने सदैव इस बात को सुना कि मीरा जी कहती है, मेरे वैद कौन है, सांवरिया, जब तक सांवरिया नहीं मिलेंगे तो मेरे दिल को चैन आने वाला नहीं है। इसी प्रकार से विरह जो दिल में है वो कब शांत होगा, जब प्रियतम धनी के वितक को हम श्रवण करेंगे, जब धाम धनी के अनमोल वचनों को हम आत्मसात करेंगे सुंदर साजी। तो इस प्रकार से आने वाली रोज जो वितक चर्चा का शुभारंभ होने को है, आप सभी को आह्वान करती है इंद्रावती सखी कि किसी वितक किसी वाणी के द्वारा आत्म को निर्मल बनाना है, पिया चरणों को हमें पाना है सुंदर सांजी। और इन्हीं वचनों के साथ आज की वाणी चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की, बाबा दया राम धाम की सदा ही जय हो। प्रणाम सुंदर साजी।